हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड भाई, देखो जीवन सबका अलग अलग है, सभी अपने आप में विचित्र हैं और सभी अपने आप में कमाल हैं, बहुत बेमिसाल हैं। मैं अगर CWSN का पेरेंट हूँ, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मेरा बच्चा किसी तरह से डिफरेंटली एबल्ड है किसी भी तरह से, तो मुझे और ज़्यादा सतर्कता और ज़्यादा उसके साथ और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पॉजिटिव हो गया तो वो बच्चा विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके उसकी जो क्षमता है, उसकी जो काबिलियत है, वो थोड़ा अलग तरह की है। मुझे उसे बाहर निकाल के लेके आना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिटेशंस को, यानी कि अगर वो जो डिफरेंटली एबल्ड है, किस तरह की डिसेबिलिटी है और किस तरह का स्पेशल नीड्स है उनकी, उनको समझ के बाकी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस उसके लिए नहीं रखना चाहिए। मैं क्योंकि दृष्टि दिव्यांगजनों के संग हूँ और उन्हीं को देखता हूँ, यानी कि उन्हीं के बीच में रहता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक। बाल वाटिका में 4 साल के आ जाते हैं और उसके बाद में 4-5 साल के, और जब वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, तो उनको फिर उसी तरह से उनकी ग्रोथ देखते चले जाते हैं। फिर चाहे वो कहीं और जाते हैं हम लोग खेलने के लिए, वहाँ देखते हैं। तो ये देखा गया है कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है 8-9 सालों में, कि जो बच्चा फ्री रहता है और जो बच्चा थोड़ा सा उसको छोड़ दिया जाता है, थोड़ा उसका स्पेस दिया जाता है, वो उसकी मोबिलिटी और ओरिएंटेशन बहुत गजब होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। वो नई जगह में जाके चीज़ों के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट करना सीख जाता है और बहुत जल्दी एडजस्ट करने में काबिल होता है। वनस्पत उसके जो घर में रहा हुआ है, जिसको पेरेंट्स का पूरा पूरी छत्र छाया मिली है, लाड़ प्यार मिला है, वो वात्सल्य मिला है, घर में दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, ताऊ ताई हैं, और इतने सारे रिश्ते नातों के बीच में जब वो पलता है, तो जो उसकी स्पेशल नीड होती है वो कहीं ना कहीं हम ख़त्म कर देते हैं और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके साथ में, मतलब केयर के साथ उसे हम पालते पोसते हैं। जबकि दुनिया में जब वो निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब लाइफ में निकलेंगे बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो दुनिया बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, हम दिव्यांग हैं, हम हमारी स्पेशल नीड है, वो हर किसी की तो नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पहली बार में ही समझ ले। और तब अगर दुख हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी दिव्यांगता है, जो हमारी डिसेबिलिटी है या स्पेशल नीड है हमारी किसी चीज़ के लिए, उसको समझना होगा। एज अ पेरेंट मुझे ये समझना होगा कि अगर ये स्पेशल नीड पेरेंट, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, तो इनकी स्पेशल नीड है, जैसे अटेंशन अगर देना है तो एक लिमिट तक दीजिए, और उसके बाद केयर करनी तो एक लिमिट तक केयर करनी है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, आप ऑब्जर्व कीजिए दूर से और देखते रहिए कि कहीं पर कुछ इस तरह का ना हो कि उसे नुकसान पहुँचे या उसको किसी तरह की दिक्कत हो, लेकिन उसके कहने से पहले कोई चीज़ उसके पास दिला देना, उसका वर्ल्ड इजी बनाना है, जो कि आम जीवन में ऐसा नहीं मिलता। तो बहुत ज़रूरी है उसको समझकर, हमें ये समझना होगा। और हमें ये भी समझना होगा कि हम अगर जल्दबाजी कर गए किसी चीज़ में, तो आगे जाकर उनको उसको बहुत नुकसान होने वाला है। यानी अगर मैं जल्दबाजी कर दूं, अगर मैं तैयार होने में जल्दबाजी कर दूं, या मैं बोलूं अरे चलो ठीक है तैयार हो के जाना, मैं खुद तैयार करने लग जाऊं उसे, और मैं बोलूं कि चलो ठीक है ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, नहीं, उन्हें करने दीजिए। आप अपने दिमाग को इतना समझा लीजिए, अपने मन को इतना समझा लीजिए कि जब मेरा बच्चा CWSN है, तो उसे ज़्यादा समय लगेगा, या हो सकता है वो कई बार पूछेगा या पूछेगी, या हो सकता है वो प्रयास कई बार करेंगे, मेरे दिखाने पर भी नहीं देख के, लेकिन वो महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो महसूस करने में हो सकता है बहुत लंबा समय बीते। उस चीज़ के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, मेंटली और फिजिकली। फिजिकली मतलब फिट भी रहना होगा, और मेंटली मतलब कि आपको बिना किसी द्वेष भाव के, या बिना किसी द्वेष नहीं, बिना किसी विरोध के उसको करना होगा, बिना किसी जल्दबाजी के उसको करना होगा, वो टाइम उसको देना होगा। तो इस तरह से जब हम करेंगे, तब हमारी सही मायने में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, खासकर दिव्यांग, उनके साथ हमारी ईमानदारी होगी, तभी हम अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। और बच्चे जब कल के दिन में सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी में इंक्लूसिव
रूप लेने लगेंगे तो उनको भी शायद एडजस्ट करने में, उनको भी शायद बाकी कुछ चीज़ें जो हमारी हैं उनका एडेप्टेशन और जो उनकी हैं उसको जाके ऑब्जर्व करना, अडॉप्ट करना, उसमें शायद दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मेरा बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, मुझे समझना होगा उस चीज़ को, मेरी लिमिटेशंस हो जाएंगी, और जब मैं समझ लेता हूँ और जब मैं जान लेता हूँ उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत कमाल का एक 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 बॉन्ड होता है सबके बीच में, और वही सुंदर बॉन्ड फिर एक दिन एक परिवार की मुकम्मल तस्वीर बन जाती है। तो जब भी कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा मिले उससे ये तो पूछ लीजिएगा कि कहाँ जा रहा है या किस तरह से है जा रही हो, लेकिन रोकने की कोशिश ना करें, उसे बढ़ने दें और हर तरह का काम करने दें ताकि जब वो सोसाइटी में निकले तो उसकी जो एडजस्ट करने की क्षमता है वो बढ़ी हुई मिले और जो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है यानी कि जो व्यक्तित्व है उसमें भी निखार आए, क्योंकि हमारे बच्चे CWSN हैं तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम उस समय को उतना मैनेज करके चलें। शुक्रिया।